आप काम करते हो वो, ठीक है, कि लोग किस प्रकार से अपना काम करते हैं गांव के लोग, ठीक है। अब देखते हैं तो गांव में जो होते हैं ना, जैसे कोई खेती करता है, पशुपालन करता है, या नौकरी बनाता है, बर्तन बनाता है, ईंट बनाता है, मजदूरी करता है, ठीक है। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं खेती करना। अब खेती खेती जब हम करते हैं, खेती के बारे में तीन प्रकार के लोग आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं बड़े किसान, उसके बाद आते हैं छोटे किसान, उसके बाद होते हैं खेती मजदूर। बड़े किसान क्या होते हैं, वो बड़े किसान ऐसे किसान होते हैं जिनके पास कम से कम 20 एकड़ जमीन हो या उससे ज्यादा हो, मतलब इतनी बहुत ज्यादा जमीन हो, उसको हम बड़े किसान कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा इसके व्यक्ति के नाम क्यों ना, वो बड़ा किसान है, ठीक है। वो करता क्या है, वो खुद काम नहीं करता, वो अपने खेत में दूसरों से काम करवाता है, ठीक है। दूसरे छोटे किसान, छोटे किसान मतलब जिनके पास 2 एकड़ जमीन हो या उससे थोड़ी कम हो, ऐसे मजदूर होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने खेत में स्वयं काम करते हैं, स्वयं मेहनत करते हैं, ठीक है। वो होते हैं छोटे किसान। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र इस चैप्टर में है छोटे किसान के रूप में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं खेत के मजदूर, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के खेत में काम करते हैं और उनकी आजीविका जो मिलती है उसे अपना पालन पोषण करते हैं। और जैसे कि तुलसी और उसका परिवार, तुलसी दूसरों के खेत में काम करती है, उसका जो पति है वो दूसरों के खेत में जो छिड़काव करता है, कीटनाशक का छिड़काव करता है, ठीक है। इस प्रकार से ये खेती के लिए होते हैं, ठीक है। ये दूसरों से काम करवाते हैं और अपना अनाज बेच कर पैसे देते हैं और पैसों में से उनकी मजदूरी देते हैं, तो उनके पास ज़्यादा जमीन है, ज़्यादा पैसा आएगा। ये छोटे किसान है, इसके पास इतनी जमीन है कि एक पूरी मेहनत करेगा तभी इसके पास कुछ बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये अपनी आजीविका कमाते हैं। और जो खेती मजदूर होते हैं ना, इनको बेचारे को बड़ी दिक्कत होती है, इनके पास उनके पास की जमीन होती नहीं है, फिर दूसरों की जमीन पर काम करते हैं और इनका थोड़ा बहुत छोटे छोटे चाय जिसे हम पीते हैं।